जय हो सूरज देवता जी की कि आज आप प्रकट हुए। फोटो वोटो खिंचनी होती ना उस दिन दिलाते, धूप निकली थी ना और उस हिसाब से डबल ठंड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल गुड एंड सेफ एंड आप सब बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ। सो फिलहाल सबसे पहले आज जो हम सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि आज धूप निकली है यार, ठीक ठाक धूप निकली है, बढ़िया सूरज अच्छा खासा निकला है। अभी तो फिलहाल 12 बज रहे तो जो अपना व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 12 बजे से हो रहा है एंड अपन नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी सबसे पहले क्या किया जाएगा, अभी हम जाएंगे नीचे धूप देखने, थोड़ी देर में जाएंगे, अभी एकदम नहीं जा रहे। तो अभी क्योंकि अपने व्योम को भी धूप दिखा कर लानी है क्योंकि आज धूप ठीक ठाक निकली है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसा मौसम है आज। ये चेक कर लो भाई, अच्छी खासी धूप निकली हुई है ना, ये खेत में पता चल रहा होगा आपको, यहाँ छाए हैं वहाँ धूप है एंड अपन जाएंगे अभी पार्क में, उधर स्विमिंग पूल के पास वहाँ पर जाके बैठेंगे एंड मौसम सही है यार आज, मतलब आज ऐसा है कि बहुत दिनों में सूरज निकला है अच्छा सा, ऐसा है कि हाँ धूप में आप बैठ सकते हो जो सर्दी वाली धूप होती है, प्लस आज हवा भी नहीं है तो इसलिए भी ज़्यादा अच्छी धूप लग रही है। तो अपन अभी थोड़ी देर में जाते हैं और वहाँ पर जाके बैठते हैं थोड़ी देर, काकू को धूप दिखा के आते हैं और साफ मौसम है आज। A few moments later. ये चेकआउट करो यार, सर्दी में हर इंसान की खुशी, सूरज निकला है आज 10 से 15 दिन बाद और अपन आए हैं नीचे धूप लेने, ठीक है ये चेकआउट कर लो। ये अपनी सोसाइटी का पार्क है और मतलब मोस्टली यही है जिनकी छुट्टी है ना आज, सब यही घूम रहे और अपनी मैडम जी हरी और हम छुट्टी नहीं और हम पता है किसके साथ आए हैं, किसको धूप दिखाने लाए हैं, समझ गए होगे वैसे तो। ये देखो ये क्यूटी हमारा सो रहा है व्योम है ना, और इसको हमने चेयर पे सुला दिया है आराम से और धूप भी ली जा रही है और हवा नहीं है, हवा होती तो नहीं आते हम लोग क्योंकि हवा नहीं है इसी रीजन से आए हैं, वरना हवा होती तो ऐसा होता कि इसको फिर फायदा नहीं है, ठंड भी लग सकती थी इसी रीजन से। और साफ मौसम है, सूरज देखो देख लो यार, अब हमें दोनों को सीट मिल चुकी है क्योंकि पहले तो इतना फुल था कि चेयर अवेलेबल नहीं थी और अब देखो गोदी में सो रहा है और आराम से कितने मस्त होके सो रहा है। हेलीकॉप्टर बन रहा है इसको, ये पोजीशन ना इसकी फेवरेट है वैसे, हाथ फैला के सोना, ये वाली पोजीशन, हाँ दोनों बहुत फेवरेट है। अब जय हो सूरज देवता जी की कि आज आप प्रकट हुए 10-12 दिन बाद सही से। बस थोड़ी बहुत देर में निकल जाएंगे यार, मतलब निकल के ऊपर चले जाएंगे घर क्योंकि ज़्यादा हवन ज़्यादा, अगर हवा स्टार्ट हो गई तो फिर नहीं रुकेंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर इसे ठंडू ठंडू लग सकती है ना, अभी तो हवा बिल्कुल भी नहीं है तो सही है। क्यों जी मस्त सो रहा है क्यों जी? हाँ अभी क्या टाइम हो गया, अभी जो टाइम हुआ है 1:44 हुआ है तो 2 बजे के आसपास हम चले जाएंगे, फिर लंच का भी टाइम हो जाएगा। क्यों बाबू उठाने की कोशिश की जा रही है कि तू गार्डन देख भाई, आया पहली बार नहीं उतरा। और एक रीजन और भी है इसको धूप में लाने का, वो तो हमने बताया ही नहीं, क्या आज ही नहाया है ना इसीलिए, और अच्छी बात है, और आज इसको नहलाया भी यार इस आज इसको नहलाया भी इसी रीजन से है क्योंकि ये भाई सब जी आज नहाए हैं। नहीं नहीं अरे आज इसको नहलाया भी इसी रीजन से क्योंकि धूप निकली थी। ये 15 दिन से नहीं नहाया। नहीं इसको हम अल्टरनेट तो नहला ही देते नहीं नहीं यार हम इसको नहलाते जब मन करता है, जब धूप जब मौसम सही से होता है, जिस दिन हमें इसकी फोटो वोटो खींचनी होती है ना उस दिन नहलाते इसको।
तो यार बैक इन कार ऐसा दिन नहीं होता वैसे जिस दिन मैं गाड़ी में ना हूँ। तो अभी यार फिलहाल तो यार ऐसा कोई दिन नहीं होता कि अपन मैं गाड़ी में ना हूँ। अभी यार मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, अपना ही पास में ही जा रहा हूँ। बस यहाँ सोसाइटी में ये एक दिक्कत है कि अगर कहीं जाओ ना तो नियर बाई मार्केट हमारी सोसाइटी के पास इतना कुछ अभी अवेलेबल नहीं है। जो लोकल सोसाइटी की शॉप्स हैं बस वही अवेलेबल हैं, और उसके अलावा थोड़ा एक्सटेंशन में अंदर जाना पड़ता है। तो अभी बस मैं यार कुछ घर का ही सामान लेने जा रहा हूँ, तो वो ले आते हैं और फिर उसके बाद वापसी घर, है ना। और अब धूप कम हो गई, अभी फिलहाल 3:50 हो रहे हैं और हल्की हल्की धूप हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पूरी चली गई, पर आज फिर भी मौसम काफ़ी बेटर था रोज से। मतलब रोज यार काफी दिन हो गए थे सूरज निकले सही से। हाँ तो अभी भी फिलहाल मौसम थोड़ा सा हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा आपको, डिवाइडर शाइन मार रहे हैं। तो ये आप देखो अब समझ में, अब गाड़ी में भी धूप आ गई, तो ऐसा कि हाँ अभी है ठीक ठाक धूप है। एंड यार व्लॉग देखते देखते लाइक भी मार दिया करो, क्योंकि मैं इस चीज को बार बार बोलूंगा बिकॉज आप लोग भूल जाते हो। आई नो ऐसा नहीं है कि नहीं मारते जानबूझ, ऐसा नहीं है, बट हाँ जितने व्यू आते हैं उस हिसाब से लाइक नहीं आते, तो लाइक भी मार दिया करो। एंड यार कमेंट करके प्यार दिखाया करो, बता दिया करो क्या कमी है व्लॉग में और क्या अच्छा है। जो अगर कुछ पसंद आया करे तो कुछ भी कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। तो चलो भाई अपन तो जल्दी से सामान ले आते हैं, ठीक है ना, और आप लोग इतने करो टाइम लैप्स एंजॉय। जो सामान लेते हैं यार एक्सटेंशन में वो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इधर बैक साइड पड़ता है, ये पड़ता है किधर, और जमीरा के पास, इसके पास पड़ता है ये। एंड यहाँ पर एक्सटेंशन में मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें इधर अवेलेबल हैं, तो अपन तो यार यहीं पर आते हैं जब अपने पास में कुछ मिलता नहीं है, तो यहीं पर ही आना पड़ता है। और अब निकल रहा हूँ वापस घर, तो जल्दी से पैक कर लेते हैं यार पहले। सो यार सामान लेकर मैं फ्री हो गया हूँ और मार्केट आप लोगों ने देख ही लिए, बिकॉज यार यहीं पर सारी चीज अवेलेबल है। दो तीन कॉम्प्लेक्स एक साथ जुड़े हुए हैं काफी, मतलब ज्यादा शॉप्स हैं यहाँ पर, तो जो चीजें अपने को आसपास नहीं मिलती तो अपन यहीं पर ही आ जाते हैं और फिर यहाँ पर मिल जाती है। वैसे 99% चीजें मिल जाती हैं, और अगर कुछ ऐसे ही का मतलब कुछ अलग ही चीज है जो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो फिर स्पेशली बाहर जाना पड़ता है। तो फिर अभी बस अपना यार मैं फ्री हो गया हूँ, वापसी घर पहुँचते हैं और जल्दी से पहुँच के फिर घर मिलते हैं आपसे। भाई यार आज जिस हिसाब की धूप निकली थी ना, और उस हिसाब से डबल ठंड लग रही है आज। मतलब ऐसा वाला सीन है कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन है, और ऐसे मतलब बिना कैप के रहा ही नहीं गया, तो मुझे कैप निकालनी पड़ी। एंड बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, अभी टेम्परेचर भी दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। टेम्परेचर तो डेली की तरह 11 डिग्री है भाई सब, पर देख रहे हो कोल्ड डे वार्मिंग आई हुई है और बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। अब खाने का ऐसा सीन है, खाना आज क्या बनेगा वैसे? पनीर परांठा, पनीर और प्याज परांठा बनेगा वैसे आज। अब बहुत ठंड है भाई, ये रहा आज फिर से पनीर रखा हुआ है। तो अभी अपन यार बस कुछ नहीं, अब खाना खाएंगे फिर करेंगे आराम से व्लॉग एडिट। अब सामने मिरर पर दिखाता हूँ, देख रहे हो फॉग जम जाती है एकदम, और बाहर इतनी फॉग नहीं है पर यहाँ टेम्परेचर की वजह से जम जाती है। तो यार डिनर वगैरह अपना हो चुका है, और आज खाए थे पनीर पराठे, पनीर प्याज के, मैंने शायद पहले भी बता दिया था। तो अभी फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 23:06, मतलब 11:06। दिखाते हैं आपको, ये चेक करो तो 7 बजे जब लैपटॉप देख ही लिया है, तो अभी अपन एडिटिंग शुरू करेंगे। अभी तो यार मैं वीडियोस डाउनलोड करूँगा लैपटॉप में, उसके बाद स्टार्ट होएगी, और 11 बज रहे हैं, तो आधी अभी कर लूँगा, आधी मॉर्निंग कर लूँगा, तो आपको व्लॉग मिल जाएगा। पर ये वाला व्लॉग तो आप बाद में ही देखोगे, उससे पहले एक दो व्लॉग और देख लोगे, ठीक है।
अभी बस एडिट करके फिर सोते हैं एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ गुड नाइट बाय बाय।